चंडीगढ़ जीरकपुर बॉर्डर से अर्थ प्रकाश की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसान प्रदर्शनकारियों को पंचकुला से जीरकपुर और चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पंचकुला से चंडीगढ़ और मोहाली को जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी, भारी पुलिस फोर्स को कर दिया गया है तैनात। इन सभी बॉर्डर्स पर हैवी बैरिकेडिंग करके हथियारों से लैस रिजर्व फोर्स तैनात कर दी गई है। पंचकुला से किसानों को जीरकपुर और चंडीगढ़ में नहीं करने दिया जाएगा प्रवेश। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस हाई अलर्ट पर है। ट्राई सिटी में तीनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत की है ये नाकाबंदी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब के भी तमाम हिस्सों में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। संगरूर में लोंगोवाल के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद यहाँ का माहौल गर्म है, किसान भड़के हुए हैं। किसान लोंगोवाल पुलिस स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़े हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी किसान क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे सहित अपनी कई मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे हैं। 16 किसान जथेबंदियों ने ये भी मांग की है कि केंद्र सरकार किसान राहत कोष के रूप में 50,000 करोड़ रुपए जारी करे, क्योंकि किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, उनकी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा केंद्र केरल की तर्ज पर MSP कानून बनाए। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतरे पंजाब के किसान चंडीगढ़ कूच करने और यहां मोर्चा लगाने के लिए हुंकार भर चुके हैं, जिसके बाद पंजाब के साथ लगते चंडीगढ़ के सभी बॉर्डर्स पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हो रखी है। खासकर चंडीगढ़ जीरकपुर बॉर्डर पर मंगलवार सुबह से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यहां चंडीगढ़ पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं और दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ यहां रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF को भी तैनात किया गया है। पुलिस और RAF की पूरी टीम सुरक्षा उपकरणों से लैस है। फिलहाल प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए घेराबंदी के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बॉर्डर पर तमाम बैरिकेड्स रखे गए हैं। वहीं ज्यादा स्थिति बिगड़ने पर सड़क किनारे बसें भी खड़ी की गई हैं। जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग भी किया जाएगा। अगर किसान नहीं मानते तो उन्हें हिरासत में लेकर इन बसों में भर कर ले जाया जा सकता है। मसलन अब पुलिस और प्रदर्शनकारी किसान आमने सामने हैं। ग्राउंड जीरो से और जानकारी हासिल करते हैं हमारी सहयोगी उमंग श्योरान के जरिए। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य है जहाँ के 16 किसान जत्थेबंदियों ने आज कॉल दिया है धरना प्रदर्शन का, चंडीगढ़ में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करने को लेकर। खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर और उसके अलावा अन्य मांगे हैं, जिसको लेकर किसानों द्वारा आज ये प्रदर्शन किया जाना है। जहां किसानों के इकट्ठे होने की बात है, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, रिजर्व फोर्स तैनात की गई है हथियारों से लैस। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी पूरी चौकस है। इस वक्त हम मौजूद है रामगढ़ में, जो कि पंजाब को जोड़ता ये बॉर्डर है। रामगढ़ और डेराबस्सी का ये रास्ता है। आप ये देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। रामगढ़ पुलिस चौकी इंचार्ज जो है पुलिस अधिकारी राजवीर सिंह, उनकी अध्यक्षता में यहाँ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अर्थ प्रकाश की टीम जो है अभी यहाँ ग्राउंड जीरो पर रामगढ़ में मौजूद है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को लेकर इन राज्यों से किसान जो है वो कल ही कूच कर चुके थे। ऐसे में पंजाब के बरनाला में एक हिंसक झड़प जो है किसानों और पुलिस के बीच हुई, जिसमें किसान प्रीतम सिंह जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस, जो यूटी पुलिस है, हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस, ये तीनों राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और 27 जो बॉर्डर है जो चंडीगढ़ को पंचकुला, पंचकुला को मोहाली और मोहाली को चंडीगढ़ से जोड़ते हैं, यानी ट्राई सिटी को आपस में जोड़ते हैं, ये 27 रूट हैं जिस पर इन तीनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है। और इसके अलावा जो रिजर्व फोर्स भी तैनात है, पुलिस भी तैनात है, पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अर्थ प्रकाश के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ मैं उमंग शरण। आइए जानते हैं कि इन हालातों पर रामगढ़ पुलिस चौकी के इंचार्ज राजवीर सिंह का क्या कहना है। सर, रात 12 बजे से लेके हमारी पुलिस बिल्कुल तैनात है और पंजाब की तरफ से जो भी गाड़ियां आ रही हैं, हम उनको बिल्कुल दुरुस्त चेक किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है अभी आप किस काम से कहां पे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी गाड़ी में कोई यहाँ से किसान गुजरा है। जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा और बिल्कुल सुरक्षा के प्रबंध है और स्थिति बिल्कुल
साफ। महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की? हाँ जी, महिला पुलिसकर्मी साथ है मेरे, ड्यूटी पे हैं, और हमारे SHO साहब और ACP साहब भी बार बार चेक कर रहे हैं। अभी चेक करने के बाद वो उधर टोल प्लाजा पे गिलोली पे गए हैं, और हम इधर से पंजाब से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको बिल्कुल सही हाल से चेक किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।